जय हिंद एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो इस आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे, हम एटॉम स्ट्रक्चर के जितने भी पी वाई क्यू पूछ रहे हैं वो सारे के सारे पी वाई क्यू हम डिस्कस करने वाले, और क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में सॉल्व करेंगे। अब ऐसा नहीं कि इसमें प्रायोरिटी और के क्वेश्चन होंगे, मेटल नॉन मेटल क्वेश्चन होंगे, नहीं, इसमें केवल सेपरेट हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के ही क्वेश्चन करने वाले हैं। क्योंकि जब आप पी वाई क्यू वाली बुक पढ़ेंगे बहुत सारी, तो उनमें क्या होता है, जनरली एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल और मेटल नॉन मेटल को कंबाइन कर दिए जाते हैं, तो आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा लगते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बिल्कुल सेपरेट डिस्कस करने वाले हैं, पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन अलग, मेटल नॉन मेटल के अलग, और एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं, यहाँ पे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के जितने भी पी वाई के क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से हम बिल्कुल बेसिक से देखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट बगैर आपका टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछा क्या गया, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप देखिए क्या पूछे आपसे। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम, जिसका एटम नंबर दे दिया आपको क्रोमियम का 24। अब देखो ये थोड़ा सा आपको हेल्प कर दिया एग्जामिनर ने कि आपको क्रोमियम का एटम नंबर दे दिया। मैंने भी आपसे कहा था कि आप 20 तक याद रख लो, 20 तक आपका काम हो जाएगा। यदि 20 से ज्यादा कोई भी आपको एटम नंबर याद करने की जरूरत पड़ती है या फिर आपको किसी क्वेश्चन में यूज होता है, तो एग्जामिनर उसको क्वेश्चन में आपको डाटा में दे देता है, ठीक है। हाँ, यदि मान लो 20 से कम एटम नंबर, तो हो सकता है दे या ना दे, वो उसकी इच्छा के ऊपर है, क्योंकि उसको इतना तो मालूम है कि इतना तो आपको याद करने। यहाँ 20 से ज्यादा यदि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर का कहीं ना कहीं पे यूज हो रहा है, तो एग्जामिनर क्या करेगा, तब एग्जामिनर आपको उसकी वैल्यू दे देगा जनरली। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जनरली क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर हमें क्रोमियम का एटॉमिक नंबर दे रहा है कितना, 24, और इसका हमें चेक करना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ठीक हुआ। तो चलिए पहले तो हम सिंपली क्या कर लेते हैं, हम ऐड ही कर लेते हैं, ठीक, नंबर को इससे एक दो ऑप्शन तो इससे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो पहले हम एक दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेते हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है, इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल 2, 2, 4, 2, 6, 6, 12, 4, 16 और 2, 18। तो ये देखो ये एक गलत वैसे हो गया। नेक्स्ट 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18 और 5, 23 और 1, 24, ये शायद ठीक हो सकता है। नेक्स्ट 2, 2, 4, 2, 6, 6, 12, 2, 14, 4, 18, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 6, 24, तो ये भी सही हो सकता है। तो देखिए ए ऑप्शन और सी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। अब हमें बी और डी में देखना है। अब देखो बी और डी को देखिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5 और 4s1, जबकि पहले आना चाहिए, चलो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d6 से पहले जो 4s2 आ जाना चाहिए था, ठीक, क्योंकि 4s की क्या होती है, एनर्जी लेवल कम होती है 3d10 से, मतलब 10 हो कुछ भी हो 3d, जैसे देखो यहाँ पे हम बात करते हैं ना, ये एनर्जी लेवल मैंने आपको बताया था। देखो एनर्जी लेवल यहाँ पे आप देख लो कि जो 3d है उससे कम एनर्जी लेवल होता है किसका, 4s का। 4s जो एनर्जी लेवल होता है वो इससे कम होता है भाई। यदि हम बात करें यहाँ पे कि जो 4s का देखो एनर्जी लेवल जो होता है वो क्या होता है, 3d से कम होता है। तो ये पहला आएगा भाई, कैसे मेजरमेंट कर लेते, ऐसे करते थे 1s2 फिर 2s2 इस तरह चलते थे। तो देखो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हो जाएगा बच्चे 1s2, फिर आएगा 2s2, फिर आएगा 2p6, फिर आ जाएगा 2p6 के बाद में 3s2, 3p6 और 4s2, 3d5। देखने का कितना आप लोग कितना जाएगा, टोटल 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20 और 5, 25, इसी तरह 24, तो 3d4 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हो गया हमारा किसका, क्रोमियम का। लेकिन देखो ऑप्शन में ऐसा कहीं पे है नहीं है, तो ऐसा क्यों नहीं, देखो इसका रीजन क्या है,
कि जब हम 24 और 29 का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन देखते हैं तो यहाँ पे अजम्पशन आता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते थे, देखो हमने पढ़ा था कि यदि हम बात करें, देखो इसको हम इन जो सब सेल है एस और डी, इसको देखो एनर्जी लेवल के अनुसार बनाते हैं। देखो एस में कितना आ जाएगा आपका, सब सेल हो जाएगा एक, डी में कितने 5, तो 1 2 3 4 5। अब इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रखते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, यदि आप यहाँ पे रखते हैं एस में दो, क्या किया आपने यहाँ पे एस वाले में क्या रखा आपने, दो इलेक्ट्रॉन रखे। जैसे मान लो एक इस तरह स्पिन, एक अपोजिट स्पिन रखते हैं, तो दो इसमें रख दिया, इसमें कितने बन गए 4, 1 2 3 4, ये हमने 4 भर दिए। तो एक तो मान लो ये कंडीशन है, एक कंडीशन क्या होती थी वहां पे, हम इसमें मान लेते बच्चे 4s1 और इसको मानते 3d5 करते थे ना। देखो आप भरो इलेक्ट्रॉन, मान लो एक सब सेल ये, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन भरते एक और एक डी की मान लो 5 मान लिया हमने, 1 2 3 4 5, इन्हें हमने क्या भर दिया यहाँ पे एक एक भर दिया सब में। तो स्टेबल कौन सी बन जाती है, ये वाली ज्यादा स्टेबल मानी जाती है ना, कि जो हाफ फिल्ड सब सेल होती है वो क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होते हैं। और मेन रीजन क्या होता है कि जो 4s1 है इसका एनर्जी लेवल कम होता है, इसका एनर्जी लेवल ज्यादा होता है। तो फिर यहाँ पे आंसर आ जाएगा बेटे हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसके अकॉर्डिंग अजम्पशन था ना, हमने डिस्कस भी किया था। यदि आप लेक्चर नहीं देखा तो जाके देख सकते हो, साइंस फॉर एनडीए जो यूट्यूब चैनल है उस पे मैंने आपको पूरे चैप्टर सीक्वेंस वाइज कराए, वहां पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, तो उसका तो हो जाएगा आपका इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड को पढ़िए आप लोग, सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बोला गया यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एटम्स हैविंग एटॉमिक नंबर 9 एंड मास 19। आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर, एटम नंबर जेड के लिए दे रखे 9 और एटॉमिक मास के वैल्यू दे रखे थे आपको 19। तो आपसे आपको किसकी वैल्यू याद करनी है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इनकी आपको वैल्यू दे रखी। तो वैसे ही पहले सॉल्व कर लो, मतलब याद कर लेते। देखो यहाँ पे एटम नंबर से हम क्या बता सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी, तो यहाँ से हम बच्चे जनरली नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 9। यदि हम क्या याद करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास में से एटम नंबर घटा दो, कितना जाएगा 19 माइनस 9 इक्वल कितना आ जाएगा 10। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला, यहाँ से हमें 9 प्रोटॉन, ठीक है भैया, इलेक्ट्रॉन 9 ठीक है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन 19 नहीं गलत, और न्यूट्रॉन 10 ठीक है। तो 1 2 4 1 2 4 है कहीं पे, हाँ ऑप्शन नंबर 8 यहाँ से ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 को आप देखिएगा, क्वेश्चन 3 में टाइम से क्या पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज नॉट पॉसिबल पॉसिबल। ये हमने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से ये पूछा गया कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पॉसिबल नहीं है। चलो देखते हैं यहाँ पे, ए में हम देखते हैं 1s2, चलो ये तो पॉसिबल है। सेकंड 1s2, 2s2, 2p6, 2d10, हाँ भाई 2 पे तो पी तक आएगा तो डी आ ही नहीं सकता, तो ये गलत हो जाएगा बेटे, ये गलत हो जाएगा यहीं पे। भाई यदि हम बात करें, जैसे हमने बात की थी, हमारे पास 4 सेल होती है के एल एम एन, ठीक है, के में कितनी सेल होती है, केवल एक एस, एल में 2 होती है एस और पी, ठीक है, एम में 3 होती है एस पी और डी, और एन में 4 होती है एस पी डी ए, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें 2s 2p, तो d तो 2 में आता नहीं भाई, इसके लिए n की वैल्यू कितनी होती है 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4, तो कैसे आता है, यहाँ पे हम बात करते हैं 1s, इस बार 2s 2p, यहाँ पे था 3s 3p 3d, यहाँ क्या था 4s 4p 4d 4m, तो 2d तो कहीं आता नहीं है, तो हमारे बच्चे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4,
देख क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या पूछा, ध्यान से पढ़ना आप लोग एक बार कि पूछा क्या गया आपसे 4 में। एक तरफ आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन दिया हुआ है, एक तरफ आपको स्पेसिफिक दिए हुए हैं, और इनका आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन को मैच कराना है कौन सा हमारे यहाँ पे सही होगा, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन किसका सही होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कौन कौन सा दिया हुआ हमें यहाँ पे, क्लोरीन, फ्लोराइड आयन, हाइड्राइड आयन और मैग्नीशियम। तो बेटे हमें यहाँ पे दिया है एक तो हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन इनका सब पता, चलो निकालता हूँ हाइड्राइड आयन। फिर दिया कौन सा, फ्लोराइड आयन, फिर बात करते हैं मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम और हम बात करते हैं क्लोरियम, क्लोरीन सॉरी। तो देखिएगा हाइड्राइड की हम बात करें तो इसका मतलब क्या, हाइड्राइड मतलब एक नेगेटिव आयन, तो एच माइनस, तो इसका कितना हो जाएगा बेटे 1H2। ठीक है, यदि हम बात करें फ्लोराइड का तो एफ माइनस, फ्लोरीन ऑक्सीजन, फ्लोरीन का 9 9 और एक हो जाएगा 10। तो इसका क्या जाएगा बच्चे, इसका करेंगे तो बच्चे आ जाएगा 1S2, 2S2, 2P6, 6 2 8 2 10। हाँ इसको हो जाएगा मैग्नीशियम कितना होता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन एटम नंबर 12। तो इसका कितना आ जाएगा देखो 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, तो 2 2 4 6 10 12। हाँ ये आ जाएगा क्लोरीन कितना होता है 17। तो इसका क्या आ जाएगा 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 2 2 4 6 10 12 6 18। तो इसका 12 6 18 तो 17 होना चाहिए ना, तो इसको पास करो 3D5। अब मैच कर लो 1S2 किसका से हाइड्राइड का, तो पहले का 3 1S2, 2S2, 2P6 से फ्लोराइड का, तो ये इसका हो जाएगा बी का 2। 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 ये हो जाएगा मैग्नीशियम का, और ये 5 हो जाएगा आपका क्लोराइड का। तो हो जाएगा ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 4 और 1, 3 4 2 3 4 2 1। तो बेटे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, 4th में चेक किया जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे हमसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना आपको पहले क्वेश्चन। तो बेटे क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया यहाँ पे देखिएगा, तो हमसे बोला गया क्वेश्चन बेटे द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ए डाई पॉजिटिव आयन इज 284। एक डाई पॉजिटिव आयन होता है जिसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कितना दिया हमें 2 8 और 14 सॉरी। ठीक है, और इसका एटम वेट बच्चे कितना दिया हमें 56 दिया हुआ। ठीक है भैया, फिर बोला गया द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमें बताना है। तो चलिए यहां से निकालते हैं हम, यदि हम बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा 6। नहीं बता सकते सिंपली, पहले देखो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन से बता सकते हैं, लेकिन बेटे ये कब है, ये तब है जब दो डाई पॉजिटिव आयन के लिए। ठीक है, तो चलिए यहां से हम बात करते हैं जल्दी, कितना हो जाएगा ये तीनों मिला कितना हो जाएगा 8 2 10, 10 और 14 24। ठीक है, लेकिन बेटे यहाँ पर बात की डाई पॉजिटिव आयन मतलब दो आयन देने के बाद में, लेकिन सॉरी दो इलेक्ट्रॉन देने के बाद में, यदि मान लो ये दो इलेक्ट्रॉन ना देता, ये सिंपल न्यूट्रल रहता, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन और रहते तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाते, उस टाइम बच्चे कितने दो और होते तो इसके पास टोटल हो जाते 26। तो ये तो बात चल गया नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हमारे पास अब 26 है। तो यहाँ पे निकालना क्या हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए कैसे निकाल देते, एटम मास में से एटम नंबर घटा देते थे, एटॉमिक मास तो हमें पता कितना 56 और एटम नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा 26, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना 30। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आ जाएगा, 5th का क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, क्योंकि जो हमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन जो दिया हुआ है ना, वो कब दिया हुआ है हमें डाई पॉजिटिव आयन का दिया हुआ है,
तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन और जोड़ देंगे तो वही तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा, तभी तो न्यूट्रल के लिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन सॉरी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हो पाएंगे। इस वजह से हमने क्या किया, इसमें दो इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप लोग की, क्वेश्चन 6 में क्या पूछा हमसे, तो 6 में हमसे पूछा पूछ गया देखिएगा, 6 में हमसे बोला गया व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम ए हायर ऑर्बिट टू ए लोअर ऑर्बिट देन, कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या होता है। तो देखिए हमने पढ़ा था कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर ऑर्बिट में जाता है तो वो क्या करता है, जो एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब करता है यदि लो से हाई पे जाता है, ठीक है, और यदि हाई से एब्जॉर्ब करता है, और यदि हाई से लो पे जाता है तो एनर्जी को रिजेक्ट करता है, ठीक है। तब बात की हाई टू लोअर, तो हाई से लो पे जाएगा तो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, उसका इमिशन करेगा। तो देखिए आपका ऑप्शन क्या देगा, इमिशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, ऊर्जा को उत्सर्जन होगा, बिल्कुल होगा जब भी हायर से लोअर पे जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भी ठीक है। और देख लेते हैं द साइज ऑफ द एटम डिक्रीज, नहीं एटम का साइज स्पेस का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बी तो नहीं होगा बिल्कुल। सी देख लो एब्जॉर्बेशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, नहीं एब्जॉर्बेशन नहीं होगा, एब्जॉर्बेशन कब होता है, जब लोअर से हायर पे जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या जा रहा है हायर से लोअर ऑर्बिट, तो यहाँ पे क्या हुआ इमिशन ही होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बी भी गलत है यहाँ पे, और यहाँ पे सी भी गलत है, और डी में क्या बोलगा, डी भी पढ़ लो एक बार, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम मूव विदाउट इमिशन और एब्जॉर्बेशन ऑफ एनर्जी, नहीं एक किसी भी ऑर्बिट में घूमते तो एनर्जी नहीं चाहिए, लेकिन लोअर से हाई या हाई से लो जाएंगे तो एनर्जी में चेंज होता है, लो से हाई पे जाएंगे तो हमें एनर्जी चाहिए होती है, और जब हाई से लो पे आ जाते हैं तो हम एनर्जी को रिमूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 में हमसे क्या पूछा गया, ध्यान से ये अच्छा क्वेश्चन बहुत ही, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देखिएगा हमसे यहाँ पे बोला गया टू एलिमेंट गैलियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म ए कंपाउंड गैलियम 2 और ऑक्सीजन 3, तो यहाँ पे बच्चे ये दोनों क्या करते हैं, गैलियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं Ga2O3। तो हमसे क्या पूछा यहाँ से विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वैलेंसी ऑफ गैलियम, तो यहाँ पे हमें क्या करना है जो गैलियम उसकी बैलेंसी बतानी, ठीक है। तो देखिए यदि हम बात करें गैलियम की बैलेंसी बनाने के लिए, तो यहाँ पे हमें एनायन और कैटायन का चार्ज देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिएगा तो जैसे मान लो इसको हमें बात करें इसकी एनायन और कैटायन की, एनायन यदि बात करें ऑक्सीजन आ जाएगा आपका और कैल्शियम आपको कैटायन हो गया, यदि बात करें ऑक्सीजन का इनके इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन वैसे वो कितना आएगा O2 माइनस या माइनस 2, तो हमें क्या निकालना है गैलियम की वैलेंसी, सॉरी हाँ गैलियम की वैलेंसी निकालनी है, और ऑक्सीजन तो हमें पता है ये, चलो इसको सॉल्व कर दे वो कितना आ जाएगा, यदि हम बात करें बच्चे सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यदि मैं बात करती हूँ टर्न 2 गैलियम कितना हो जाएगा एक्स प्लस 3 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू माइनस 6, तो x इक्वल क्या आ जाएगा सॉरी इधर जाएगा तो प्लस आ जाएगा नहीं, तो x इक्वल क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो गैलियम की जो वैलेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, गैलियम की वैलेंसी हो जाएगी 3, ठीक है। गैलियम की वैलेंसी कितना हो जाएगी यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन देखना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ना बहुत से बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बस क्या किया आपको यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, ट्विस्ट किया बस थोड़ा सा इसने घुमाया एग्जाम ने बस, ठीक है। तो ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा क्या गया देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, थोड़ा ध्यान से देखेगा आप लोग, ऑल द एलिमेंट्स इन ए ग्रुप फैमिली हैव ए कॉमन वैलेंसी, ठीक है, किसी ग्रुप में क्या होती है सभी की वैलेंसी सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कार्बन फैमिली, जैसे कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन एंड लेड हैव कॉमन वैलेंसी 4, सबकी वैलेंसी कितनी होती है 4 होती है, बट हाउएवर सम ऑफ द एलिमेंट हैव वैलेंसी 2, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनकी वैलेंसी क्या होती है 2 भी होती है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन वैलेंसी 2,
इनमें से कौन कौन से एलिमेंट ऐसे जिनकी वैलेंसी 2 भी होती है? ये थे हमारे सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, ऑल। और तो जब हम इनर सेल बात करें ना, यहाँ पे जनरली 3 चीज आती है, कौन कौन सी? यहाँ पे जब बात करें जर्मेनियम, टिन और लेड, इन तीनों जो बैलेंसी है, +4 भी होती है और तीनों की +2 भी होती है। ठीक है, तो इनकी वजह से क्या आती है, इन तीनों बच्चे क्या जाती है, वैलेंसी 2 भी आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाती है हमारे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको और डिटेल में बात करें, यहाँ पे इसको देखिएगा ध्यान से एक बार, इसका पूरा डिटेल में सोल्यूशन मैंने आपको बताया बता दिया है वहां पे भी, मैं जब मैंने थ्योरी बताई थी वहां पे आपको बताया था। इसको थोड़ा सा और देख लो, जनरली क्या होता है ना, यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिएगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पे यहाँ पे बैलेंसी 2 आ जाती है। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट इन द ग्रुप ऑफ 14 +4 एंड +2। जो 14 नंबर ग्रुप नंबर 14 है उसकी वैलेंसी अच्छे +4 भी होती है +2 भी होती है, लेकिन जनरली हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, +4 को। 2 तो हमें जब रिक्वायरमेंट होती है तब हम 2 की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ध्यान से आप पढ़िएगा। क्वेश्चन 9 के यदि हम बात करें, विच वन अमंग द फॉलोइंग मोस्ट करेक्टली डिटरमाइन एटम नंबर ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का हमें क्या याद करना है, एटॉमिक नंबर याद रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है जिससे उसके बारे में पता लगा सकते हैं? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ न्यूक्लियस। तो यदि हमें क्या करना है, मोस्ट डिटरमाइन करना है एटॉमिक नंबर, तो सबसे मेन चीज क्या बेटे यहाँ पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है दो चीजों का होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन वो तो कम ज्यादा हो सकता है एटॉमिक नंबर के, लेकिन सबसे ज्यादा मतलब हमेशा एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा बच्चे, वो क्या होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है बच्चे, हमेशा बराबर होगा। ठीक, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, हमेशा एटम नंबर के एग्जैक्टली इक्वल होता है हार्मोनिक कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमसे क्या पूछे यहाँ पे, नेक्स्ट हमसे पूछे यहाँ पे, ए स्टेबल न्यूक्लियस जो एटम मास उसकी वैल्यू दी है लेस देन 10 हैज। तो कोई भी न्यूक्लियस स्टेबल कब होगा, उसका रीजन क्या, देखिएगा हम जानते हैं टे कि जो एटम होता है, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन ऊपर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन ऊपर उत्तर न्यूट्रॉन रहता है, और बाहर जो ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन आपके घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बीच में क्या लगता है बच्चे, फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है, यदि किसी भी एलिमेंट को अपने आप में स्टेबल रहना है, किसी भी एटम को, ठीक है, तो इसमें जो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन है और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, दोनों की संख्या क्या होनी चाहिए, लगभग बराबर होनी चाहिए, तभी वो स्टेबल रह पाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कौन से है हमारा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है। एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जब एक दूसरे के बराबर होगी तो वो एलिमेंट उतना ही ज्यादा स्टेबल रहेगा, उसका न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 हमसे बोला गया है कि द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ए नेगेटिवली चार्ज एटम आयन एच। कोई यदि हम बात करें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी नेगेटिवली चार्ज एटम का कितना होता है, तो मान लो कोई भी नेगेटिवली चार्ज आयन है, ठीक है, तो यदि हम बात करें यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज आयन, तो उसका जो एटम नंबर होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो इसका एटम मास होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल होगा, और जिस इलेक्ट्रॉन संख्या नेगेटिवली चार्ज है तो क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे और उसमें जितना आपका चार्ज होगा प्लस करके, ठीक है, बोलो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से क्या पूछ रहे हैं हमसे कि जो नेगेटिवली चार्ज है उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो मोर देन द एटम नंबर। नेगेटिवली चार्ज एटम, नेगेटिव चार्ज एटम तो बिल्कुल ही ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन कुछ तो ज्यादा होगा, तो नेगेटिव चार्ज है
क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, एक्सेप्ट किए, तो देखो मोर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ए नेगेटिव चार्ज। अरे प्रोटॉन पूछा ना, तो प्रोटॉन तो इलेक्ट्रॉन से कम हो जाएंगे ना, तो मोर देन द एटम नंबर, क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन एटम नंबर ज्यादा होगा, नहीं इक्वल होगा हमेशा, ये तो ज्यादा हो ही नहीं सकता, गलत। लेस देन द एटम नंबर, क्या एटम नंबर से कम होगा, नहीं उसके बराबर होगा हमेशा प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नेक्स्ट मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम, जो इलेक्ट्रॉन होते किसी एटम का उससे ज्यादा होगा क्या प्रोटॉन से, क्या नहीं गलत। नेक्स्ट लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम, जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या क्या होगा, कम होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होने की वजह से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन और बढ़ गई। यदि मतलब न्यूट्रल होता तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, लेकिन यहाँ पे क्या नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा होगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कि जो लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो प्रोटॉन की संख्या वो क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कम ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 देखिए आप लोग, एक बार 12 में हमसे क्या पूछा गया है, विच वन अमोंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग, ये आपको कुछ दे रखी है, इनके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकाल के यहाँ पे देखना कि कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। जैसे यदि हम बात करें यहाँ पे एनए 20, फिर क्या यहाँ पे एनए प्लस 23, फिर क्या यहाँ पे एफ माइनस 19, और क्या यहाँ पे Mg2 plus 24। अब देखिए इनमें सब में हम निकालते हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन संख्या वगैरह सबको निकालते हैं। देखिए नियोन के यदि बात करें एटम मास, तो कितना दे रखा आपको 20 दे रखा है इसमें। यदि बात करें एटम नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे नियोन का हो जाएगा 10, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इतने हो जाएंगे। नेक्स्ट सोडियम की बात करते हैं हम यहाँ पे, सोडियम का एटोमिक मास कितना 23 दे रखा है, एटम नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे 11, लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे सिंपल 11, और एक इलेक्ट्रॉन इसने किसने दे दिया, तो कितना बच गया इसमें 10 बच गया। नेक्स्ट यदि बात करें यहाँ पे फ्लोरीन माइनस, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर और एटम मास से कोई फर्क पड़ेगा नहीं वैसे, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 19, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा आपका 9, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा 9, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 9, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया किसी से, कितना हो जाएगा इसमें टोटल 10 हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह हम बात करें यहाँ पे Mg2+, तो यहाँ पे एटम नंबर कितना हो जाएगा 12, ठीक है। यदि बात करें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएगा कितना 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 12, और प्लस 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसी दे दिया तो समझ गया 10। तो चारों में देखो क्या चीज कॉमन, तो चारों में आप देखोगे तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितने अच्छे 10 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, चारों क्या हो गए एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। तो अच्छे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ ईच अदर, ये सभी क्या होंगे एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखो हमसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन 13 हमसे बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच, तो कौन सा पेयर यहाँ पे करेक्टली मैच करके देखेगा, तो तीन चीज हमें दी हुई है यहाँ पे, कौन कौन सी, एक दी हुई हमें आइसोटॉप, एक दी आइसोबार, एक दी हुई आइसोन्यूट्रॉन्स। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं आइसोटॉप फर्स्ट वाले की, तो फर्स्ट में क्या होगा एटोमिक एटम्स विद सेम एटम नंबर बट डिफरेंट एटोमिक मास, क्या इससे हम आइसोटॉप कहते हैं कि एटम्स विद सेम एटम नंबर बट डिफरेंट एटम मास, ठीक है ये इसी कहते हैं आइसोटॉप। सेकंड नंबर बात करते हैं आइसोबार, क्या बोला कहा है एटम्स विद सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट एटॉमिक मास, नहीं गलत हो जाएगा। आइसोबार किसे कहते हैं, वो अलग अलग एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर तो अलग अलग हो लेकिन एटॉमिक मास सेम हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं आइसोबार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बी तो गलत हो जाएगा, ए सही है स्टेटमेंट। सी में देखो आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स क्या कहते हैं वे एलिमेंट जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो सेम हो, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या बोला गया हमसे एटम्स विद सेम मास नंबर, जिनका मास नंबर सेम हो, नहीं ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ओनली फर्स्ट सही हमारा, तो ओनली वन ओनली, तो ऑप्शन नंबर टी क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट
नेशन यहाँ बात करते, देखिएगा नेशन से क्या पूछा गया है, नेशन से पूछा यहाँ पे द न्यूक्लियंस न्यूक्लियस ऑफ सिंगल आयोनाइज्ड कार्बन एटम कंटेंट, इस सिंगल आयोनाइज कार्बन है उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन हो वो देखिए, सिंगल आयोनाइज्ड कार्बन है ठीक है, कार्बन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जनरली। तो देखिए कार्बन के बारे में आप जानते होंगे कुछ चीजें, तो आपको पता होगी कि यदि हम बात करें कार्बन का एटम नंबर एटम मास जनरली सिंपल हम बात करें तो कार्बन का जो एटम नंबर होता है कितना होता है आपका 6, एटम मास कितना होता है 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बचे कितना 6 ठीक है। अब ऐसे बोला सिंगल आयोनाइज्ड कार्बन, तो सिंगल आयोनाइज्ड मतलब क्या कि इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा जे, इसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 7। अब देखो ऑप्शन में क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में बोला 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, चलो ये ऑप्शन तो कुछ हद तक ठीक है, वैसे गलती हो चाहे नहीं, फिर भी हम और ऑप्शन को यहाँ पे देख लेते हैं। सेकंड देखो 5 प्रोटॉन नहीं 5 प्रोटॉन नहीं प्रोटॉन 6 लेंगे तो ये गलत, नेक्स्ट 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन 6 न्यूट्रॉन, नहीं इलेक्ट्रॉन अब कितना हो गए 7 तो ये गलत है, नेक्स्ट 12 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। हाँ, इलेक्ट्रॉन तो 7 है, प्रोटॉन 6 ठीक है, न्यूट्रॉन कितने हैं 6 ही है, प्रोटॉन 12 नहीं ये गलत है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए ठीक था कि मतलब 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन्स ठीक है, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पढ़िएगा आप लोग एक बार, 50 में क्या बोलेगा ध्यान समझिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है ठीक है, स्पेशल इंडिया में इसी को तरह के क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं जब भी एग्जामिनर को आपको फंसाना होता है। तो देखिए हमसे क्या पूछा गया, आपसे विच वन अमोंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट। अब देखिए यहाँ पे एटॉमिक वेट के रिगार्डिंग यहाँ पे हमें स्टेटमेंट बताना है, ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला गया है द एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज द सम ऑफ टोटल ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम्स ऑफ द एलिमेंट, नहीं क्या होगा द एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज सम ऑफ द, जो एटॉमिक वेट होता है किसी एलिमेंट का वो सम होता है सभी प्रोटॉन न्यूट्रॉन से सबके इक्वल, एटॉमिक वेट प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, तो एटॉमिक वेट के रेस्पेक्ट में ये स्टेटमेंट कहना सही नहीं, मतलब इतना अच्छा नहीं है कि एटॉमिक वेट क्या होता है सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, नहीं वो एटम वेट नहीं होता, देखो हमने क्या होता है ना एटम मास और एटम वेट को एक ही मान लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस बच्चे वो क्या होता है एटॉमिक मास होता है एक्चुअल में ना, तो एक गलत है। बी देखो बी हमसे क्या होगा अनलाइक मास नंबर एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट कैन बी फ्रैक्शन, कि जो एटॉमिक वेट होता है अनलाइक द मास नंबर, मतलब मास नंबर के से सहमत नहीं, मतलब उसके अपोजिट है, अपोजिट मतलब वो नहीं इसके ना, मतलब ये कि जो एटम मास उससे अलग होगा। नेक्स्ट और फिर इसमें क्या होगा एटम वेट ऑफ एन एलिमेंट कैन बी फ्रैक्शन, कि एटम वेट होते वो किस में आ सकता है फ्रैक्शन में आ सकता है, पॉइंट में भी आ सकता है बिल्कुल आ सकता है, उसमें क्या दिक्कत है। नेक्स्ट हाँ लेकिन एटम नंबर नहीं आ सकता पॉइंट में कभी ठीक है। नेक्स्ट हमसे क्या बोल रहा है एटम वेट ऑफ एन एलिमेंट इज होल नंबर, कि जो एटम वेट होता है किसी एलिमेंट को पूरा होल नंबर होता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट द एटम वेट ऑफ ऑल द एटम्स इन एन एलिमेंट इज सेम, एक ही तत्व के जितने परमाणु वाले होते हैं सभी सभी क्या होते हैं समान होते हैं, ये पढ़ा था। तो यहाँ से यदि इसका आंसर मैं निकालू तो क्या हो जाएगा बेटे ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा ठीक है, क्योंकि जो एटॉमिक वेट होते हैं वो क्या आ सकते हैं पॉइंट में आ सकते हैं। यहाँ पे देखो आप इससे मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए यदि हम बात करें एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट दोनों बेटे अलग अलग डिफरेंस ध्यान रखना, देखिएगा यदि मैं यहाँ पे बात करूँ कार्बन की तो कार्बन कितना होता है इलेक्ट्रॉन 6 और एटॉमिक मास कितना होता है 12, लेकिन क्या होता है जनरली जो कार्बन की हम बात करें कार्बन क्या होता है कुछ अमाउंट पे तो नेचुरल में प्रेजेंट होता है, कुछ बच्चे लैब वगैरह में बनाते हैं यहाँ पे अलग तरह से प्रेजेंट होता है, तो एटॉमिक वेट कितना आता है 12.01। जैसे यहाँ पे देखो आप इससे और समझो,
जो कार्बन जो प्रेजेंट है हमारे अर्थ पर लगभग 99% बच्चों किस किस फॉर्म में अवेलेबल है, कार्बन 12, लेकिन कुछ जैसे लगभग 1% जो कार्बन बच्चे वो किसके फॉर्म में यहाँ पे, वो कार्बन 13 के फॉर्म में। ठीक है, तो यदि यहाँ से हम क्या निकाले, इनका एटॉमिक मास निकाले, ठीक है, एटॉमिक मास बोलना गलत है, से एटॉमिक वेट निकाले, तो क्या हो जाएगा, 12 × 0.99 प्लस 13 × 0.011 कितना गया, 12.01। देखो एटॉमिक मास क्या होता है कि वो अलग अलग एलिमेंट जिनके यदि कोई भी ऐसा एलिमेंट जो उनके क्या निकाले, हमें एटॉमिक मास निकालना है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी फोटो है वीडियो है उनको देखिए। इसको इस तरह समझो आप कि कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, उसका क्या निकाला हमें, एटॉमिक मास निकालना है, तो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों को ऐड कर देंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को, तो एटॉमिक मास निकल के आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम बात करें कोई भी एलिमेंट जो अलग अलग स्टेट में पाया जाता है, अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, कोई कार्बन 12, कोई कार्बन 14, कोई जितने भी पाया जाता है उसके जितने भी आइसोटॉप होते हैं, उन सबका जो एटॉमिक वेट होता है या फिर बोलते हैं एटॉमिक मास होता है, उनका एटॉमिक वेट का एटॉमिक मास का एवरेज निकल के आएगा, वही किसके इक्वल हो जाएगा, एटॉमिक वेट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी राइट आंसर इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, टेक क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या बोला गया, 16 में हमें दो लिस्ट दी हुई, एक तरफ साइंटिस्ट की, एक तरफ डिस्कवरी की, तो इस पे कोई दिक्कत है नहीं, तब ने फटाफट किया ही था। गोल्डस्टीन चाहिए प्रोटोन की, तो पहला का टू, फिर चैडविक चाहिए न्यूट्रॉन की है, कहीं पे थीन, हाँ तीन है, जो है थॉमसन इलेक्ट्रॉन की बच्चे फोर, जॉन डॉल्टन ने एटॉमिक डिस्कवरी बच्चे फर्स्ट, 2341, 2341, तो बच्चे आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आप लोग देख क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान समझना आप कि इस तरह क्वेश्चन को कैसे हमको सॉल्व करना है। बट हमको यहाँ पर क्या बोला गया देखिएगा, थ्री कंपाउंड्स, ये थ्री सिंपल बात है, थ्री एलिमेंट्स, थ्री एलिमेंट कौन कौन से, सोडियम सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइन विद कंपाउंड Na2SO3, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एस इन द कंपाउंड, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, एस की इसकी वैलेंसी बतानी है, तो कैसे निकालें यहाँ पे, यदि इनका सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला हम, तो यदि मैं बात करूँ यहाँ पे कैसे आई वैल्यू, यहाँ पे यदि हम बात करें सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज, ओवरऑल चार्ज मतलब जीरो। अब देखो यहां से निकालते हैं, सोडियम बच्चे कितना हो जाएगा, 11, तो 2 8 और 1, तो इसका 1 हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 × +1 प्लस सल्फर का तो निकालना है x, 1x लिख देते हैं, प्लस कितना इसका ओ का 3 और -2 जीरो, अब निकालो वैल्यू कितना जाएगा, 2 + x − 6 = 0, एक्स इज कितना इधर आ जाएगा, 6 − 2, तो एक्स इज बच्चे कितना 4 आ जाएगा यहाँ पे, तो वैलेंसी कितना जाएगा बच्चे इसकी, वैलेंसी जाएगा इसकी कितना 4। ठीक है, 70 बच्चे कितना जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, वैलेंसी कितना जाएगा बच्चे इसकी 4 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, 18 हमसे क्या पूछा गया, 18 में हमसे बोला गया है, टू एटम्स आर सेड टू बी आइसोटॉप इफ, कोई भी दो एटम है उनको हम आइसोटॉप कब कहेंगे, जब उन दोनों के जो एटम नंबर वो तो सेम हो लेकिन एटम मास अलग अलग हो, तो वो क्या कहलाएंगे, एक दूसरे का आइसोटॉप कहलाएंगे। तो ऑप्शन देखो यहाँ पे क्या बोला गया, ए में दे हैव सेम एटम नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर ए भी ठीक है, और भी थोड़ा पढ़ लो कि क्या बोला गया है, दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट मास नंबर, तो ये तो आइसो न्यूट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज सेम, सम ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज सेम बट नंबर ऑफ प्रोटॉन इज डिफिकल्ट, द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन ठीक है एंड न्यूट्रॉन,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इज द सेम, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जगह सेम हो जाएगा, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन इज डिफरेंट. नहीं ये गलत हो जाएगा, इसको तो कहता है स्टॉप. दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नहीं आइसोटॉप किसे बोलते हैं, जब भी कोई आइसोटॉप का मतलब क्या हो गया, अलग अलग एलिमेंट के या फिर बोलते एक ही एलिमेंट के वो अलग अलग रूप, जिनके एटम मास तो अलग अलग होता है लेकिन एटॉमिक भार क्या होता है, सेम होता है, तो हम क्या बोलते हैं टे. सर सॉरी आइसोटॉप पूछा ना, आइसोटॉप सॉरी आइसोटॉप में क्या होता है, एक ही एलिमेंट के वो अलग अलग रूप जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन एटम मास अलग अलग हो, वो क्या कहलाता है आइसोटॉप कहलाता है. आइसोबार में उल्टा, आइसोबार में क्या होता है एटॉमिक मास सेम होना चाहिए लेकिन एटम नंबर अलग अलग होना चाहिए. ठीक है नेक्स्ट, तो इसका बच्चे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, देखिए 19 हमसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन 19 के अंदर हमसे पूछा गया है द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन O2 माइनस, O2 माइनस में बच्चे वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पे बताना है. देखो यहां पे बात करें सिंपल ऑक्सीजन कितना होता है 2 और 6, दो और आगे तो यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चे कितना हो जाएगा 12, दो और आ जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा तो आंसर आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में बच्चे 8, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहां पे सी यहां पे करेक्ट हो जाएगा. बस सिंपल मान लो ऑक्सीजन होता तो कितना आता 2 और 6 और 2 माइनस हो गया तो 2 6 में 2 जोड़ दिया कितना आ जाएगा इसका 8, तो बैलेंस कितने आपके बच्चे 2 × 8. ठीक है 19 का. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखना बच्चे, 20 हमसे क्या पूछा ध्यान से, 20 के अंदर बच्चे हमसे बोला गया क्या, ध्यान से देखना आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा. 20 में पूछा गया हमसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन बताना बच्चे क्लोरीन क्या हो जाएगी. देखो क्लोरीन का एटम नंबर, क्लोरीन का एटम नंबर कितना होता है 17, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कितना होगा 2, 8 और 7. ठीक है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, अब देख 21 में से क्या पूछा गया, 21 बेटा हमसे पूछा गया है द मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम कैन बी फाउंडेड इन, कि जो भी एटम होता है उसका ज्यादातर मास कहाँ पे पाया जाता है बच्चे, उसके कहाँ पे न्यूक्लियस में तो पाया जाता है, जो भी ज्यादातर सामान स्टोर होता है वो सब कहाँ होता है न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है. ठीक है तो यहाँ से क्या हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कहने मतलब ये कि कोई भी एटम है उसके पूरे के पूरे मास को हम कहाँ पे केंद्रित मान सकते हैं, सेंटर पे मान सकते हैं, वो भी हम मानते ही. ठीक है तो न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं यहाँ पे. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन 22, देखिए 22 हमसे क्या पूछा गया है, 22 में हमसे क्या बोला गया यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन नंबर ए को पढ़िए आप, ए में हमसे बोला गया रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. सेकंड बच्चे हमसे पूछा गया है जे थॉमसन सजेस्ट दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चे ये तो जे थॉमसन बताया था, लेकिन सेकंड ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला कि जो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट उससे करके इसके बारे में पता चला इलेक्ट्रॉन बारे में, नहीं नहीं वो तो प्रोटॉन था, इलेक्ट्रॉन बारे में इलेक्ट्रॉन तो पहले हो गया था. ठीक है सेकंड जे थॉमसन सजेस्ट दैट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स प्रोटॉन, जे थॉमसन बच्चे क्या करते हैं परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं प्रोटॉन होते हैं, क्या ये इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट ठीक है क्या, जे थॉमसन भाई जे थॉमसन क्या करता था ये तो इलेक्ट्रॉन बारे में बताता था तो ये गलत हो जाएगा. नेक्स्ट एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ एन एटम, बिल्कुल सही, जो एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का सेम इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है तो क्या होता है इक्वल होता है, और डी को पढ़ लो द मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल, नहीं
बेटे यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या से हो जाएगा, ऑप्शन बेटा सी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज सेम एज नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, कि किसी भी एटम पे जो न्यूक्लियस होगा उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे प्रोटॉन से क्या होगी वही बच्चे किसके इक्वल हो जाएगी, एटम नंबर के इक्वल हो जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, 23 हमसे क्या पूछ रहा है, 23 को देखिए आप लोग, 23 हमसे बोला गया न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जेफ चैडविक ने, तो बेटे यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। देखिए यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की जेफ चैडविक ने, ठीक है। यदि हम बात करें यहाँ पे जॉन डाल्टन, तो जॉन डाल्टन बच्चे किसकी, इन्होंने बच्चे एटॉमिक थ्योरी दी थी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड बच्चे ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, ठीक है। नेक्स्ट तो हो गया था ना 23 का, 23 बच्चे हो गया था ना, हाँ ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 23 में न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन से जेम्स चैडविक, तो बच्चे ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, 24 में क्या बोला गया है देखना ध्यान से, क्वेश्चन 24 में आपको बोला गया है द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सेल, एन सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। देखो यहाँ पे हम चार टाइप के सेल पढ़ते हैं जनरली, कौन कौन से, के एल एम और एन। यदि हम बात करें एन के लिए, के लिए हो जाएगी 1, एल के लिए हो जाएगी 2, एन के लिए और के लिए 3 और एन के लिए हो जाएगी 4। यदि हम बात करें इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं के सेल में, एम सेल में, एन सेल में, तो वो निकालते देखो उसका फॉर्मूला से क्या था हमारे पास 2n2, चलिए निकालते हैं यहाँ पे 2n2, तो 2 × 1 का स्क्वायर तो कितना बचे यहाँ पे 2, सेकंड बचे 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 4 बचे कितना जाएगा 8, 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 × बचे कितना जाएगा एन, सॉरी एन के लोग कितने अच्छे यहाँ पे, एन के लोग कितनी है 3, ओहो दो दो दिन चार, पहले गलती कर दी हमने, तीन का स्क्वायर होगा ना यहाँ पे, इसको एरेज मार दो, इसको एरेज मार दो या ऐसे काम तो चलेगा। अब देखो यहाँ पे 2 × 3 का स्क्वायर मतलब 2 × 9 = 80, 2 × 4 का स्क्वायर कितना होगा 2 × 16 = 32, तो हम कितना गए 2 × 8 = 18, 32 कौन सा के एल एम एन, एन कितना जाएगा 32, तो यहाँ पे क्या जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए टेस्ट में क्या पूछा है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना आप लोग, इसमें बोला गया यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्क्लूजन कुड नॉट बी ड्राइव्ड फ्रॉम रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट था उससे कौन सा पॉइंट यहाँ पे नहीं निकला है, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ जो चार ऑप्शन है उसके रिगार्डिंग इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट पढ़ो मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम खाली, बिल्कुल भैया ऑप्शन नंबर ये तो हमारा करेक्ट है, क्योंकि जब सोने की पन्नी पे वो अल्फा पार्टिकल की बौछार करवाई थी तो ज्यादातर पार्टिकल क्या हुए थे सीधे निकल गए थे। नेक्स्ट सेकंड क्या बोला गया इसमें, द रेडियस ऑफ द एटम इज अबाउट 10^5 times ऑफ द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, कि जो एटम की रेडियस होती है वो लगभग 1 लाख ज्यादा होना होती है किससे, न्यूक्लियस से, या फिर बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो एटम की रेडियस से लगभग 5 गुना कम होती है, 10^5 गुना मतलब 1 लाख गुना कम होती है। नेक्स्ट सी में क्या बोला चाहिए, इलेक्ट्रॉन मूव इन ए सर्कुलर पाथ टू ऑफ द एनर्जी कॉल्ड एयर ऑर्बिट, क्या उसको ऑर्बिट बोलते हैं, नहीं ये कभी नहीं कहा हमको मैंने, ये गलत अच्छे। नेक्स्ट नियरली ऑल द मास ऑफ द एटम रिसाइड इन द न्यूक्लियस, ठीक है, जो परमाणु बच्चे जितना भी द्रव्यमान होता है रिसाइड इन द न्यूक्लियस वो कब कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, तो यहाँ पे हमारे बच्चे डी ऑप्शन सही है। तो हमसे पूछा गया है कुड नॉट बी ड्राइव, कौन सा ड्राइव नहीं किया बच्चे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि जो परमाणु जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं कॉन्स्टेंट एनर्जी के साथ बच्चे सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, ये बच्चे इसने थोड़ी बताया था रदरफोर्ड ने, नहीं बताया था ये। नेक्स्ट बच्चे यदि हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26,
क्वेश्चन है 26। देखो यदि हम बात करें 26 में बेटे क्या पूछेगा ध्यान से, यदि हम बात करते हैं 26 की, देखिएगा ध्यान से आप लोग, माइक ठीक है ना जी। देखिए 26 में आपसे पूछा गया है, यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। 26 में आपसे बोला गया है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एम सेल। एम सेल में कितना जाएंगे, देखो के एल एम एल, के में कितना होता है 2, एल में 8, एम में 18, इसमें 32, तो के एल एम एम में कितना बेटे, एम हो जाएगा यहाँ पे 18, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन 27 से क्या बोला गया यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। तो यहाँ पे हमें एलिमेंट दिए कौन कौन से, नियोन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। हमें क्या करना है, इनकी बैलेंस बतानी, कि इनमें से किसकी बैलेंसी कितनी होगी। बैलेंसी चलो वैल्यू तो नहीं पूछा, लेकिन हमें यहाँ पे क्रम पूछा गया है कि यहाँ पे इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे आपको वैल्यू बतानी है। चलिए निकालते हैं कि वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो बैलेंसी कितनी हो जाएगी यहाँ पे। यदि हम बात करें नियोन, नियोन तो क्या होता है, नॉन रिएक्टिव गैस होती है, तो इसकी बैलेंसी तो हो जाएगी बच्चे कितना, 0 नियोन का। ठीक है, यदि हम बात करें यहाँ पे नियोन का, हीलियम नियोन एटम नंबर 10, तो 2 और 8, तो वैलेंस 0। इस तरह यदि बात करें बच्चे मैग्नीशियम कितना होता है, एटम नंबर 12, तो 2 8 और 2, इसमें कितना होता है 2 और 8, तो आउटर सेल में फिक्स है, तो इसकी हो जाए 0, इसका आउटर सेल में 2 है, तो इसकी वैलेंस हो जाए +2। ठीक है, यदि हम बात करें बच्चे सिलिकॉन, सिलिकॉन को हो जाए बच्चे सिलिकॉन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन 14, तो इसकी जगह 2 8 और 4, तो इसकी जगह +4 या -4 कुछ मान लो आप, और ये हो जाएगा नाइट्रोजन बच्चे कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन 7, तो इसका 2 और 5, तो इसके वैल्यू कितना हो जाएगा +5 या -3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इसका ऑप्शन बच्चे 27 का, देखो सबसे कम आ जाएगा नियोन का, 0 है, तो आ जाएगा चेक इसका मैग्नीशियम का 2। ठीक है, फिर अच्छे कितना आ जाएगा इसका नाइट्रोजन का 3, वैल्यू मत देखो माइनस प्लस की उससे में कोई काम है नहीं, तो ना और सबसे कम आ जाएगा सिलिकॉन का, मतलब सबसे ज्यादा। ठीक है, +4 या -4, +4 मान लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा चाहिए, नियोन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, सिलिकॉन है क्या ऑप्शन, कोई सा ऑप्शन में ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्यों सबसे कम किसकी होगी, नियोन की तो होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टे हमसे बोला गया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 28 हमसे क्या बोला गया है, फॉर एन एलिमेंट विद एटम नंबर 35, एटम नंबर की वैल्यू कितना चाहिए यहाँ पे 35, और क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल बेस्ड ऑन बोहर मॉडल। तो बोहर मॉडल में हमसे क्या पूछा गया, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा वैलेंसी में, चलो निकाल लेते हैं, 2 8 18 और 32, ने 32 तो भी नहीं पाएंगे, तो 8 2 10, 10 और 18, 10 28 और 7 35, तो आउटर बॉर्डर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 7, तो उसकी वैलेंसी कितना हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा 28 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन 29 देखो क्या बोला गया हमसे, क्वेश्चन 29 में एज प्रपोज्ड बाय डाल्टन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट द फास्फोरस। तो यहाँ पे हमसे बोला गया कि फास्फोरस का सिंबल कौन सा होगा इन सभी में से, तो देखो यहाँ पे ए बी सी डी में से, तो फास्फोरस क्या हो जाता है, मर्सिडीज वाला ये जो सिंबल है किसको होता है चाहिए, फास्फोरस को होता है, मैंने आपको बताया था ना सारे सिंबल, देखो ये वाले सिंबल देखो सारे के सारे, मैंने आपको बताया था सारे के सारे सिंबल कि ऐसे सर्किल में पॉइंट्स होगा बीच में, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाइड्रोजन को, ऐसे बिल्कुल पूरा सर्किल खाली लेकिन भरा हुआ पूरा अंदर से कार्बन, सर्किल बिल्कुल खाली तो ऑक्सीजन, इस तरह मर्सिडीज होती है फास्फोरस की, इससे प्लस का साइन होता है सल्फर का, आयरन का आई लिखा होगा, कॉपर का सी लिखा होगा, लेड का एल लिखा होगा,
सिल्वर का एस लिखा होगा, गोल्ड का जी लिखा होगा, प्लेटिनम का पी लिखा होगा, मरकरी का, तो इस तरह आपको डॉट डॉट आपको लग रहे होंगे। तो बच्चे मर्सिडीज का सिंबल हो जाएगा कौन सा, फास्फोरस का। ठीक है, तो बच्चे ये टोटल क्वेश्चन हो गए हमारे, किसके पूछे किसमें आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेपरेट क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं हम यहाँ पे बच्चे पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन अलग से डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर अलग से डिस्कस कर रहे हैं, मेटल नॉन मेटल अलग से डिस्कस कर रहे हैं, एक साथ हम यहाँ पे चीजों को कंबाइन करके नए चल रहे हैं। ठीक है, तो आई होप चीज आपको समझ में आई होगी कि कौन कौन से पीवैक्यू कैसे कैसे डिस्कस कर रहे हैं। सारे पीवैक्यू मैंने आपको टॉपिक वाइज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और बिल्कुल मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, अब ऐसे नहीं कहा मैंने आप टिक कर दिया कि फास्फोरस सिंबल ये होता, मैंने साथ साथ आपको बताया है, और सारी सारी चीज मैंने आपको थ्योरी में भी बताई है। यदि आपको प्रूफ चाहिए तो बेटे आप साइंस फॉर एनडीए जो हमारे यूट्यूब चैनल, उस पर पूरी वीडियो डली हुई है, तो वीडियो जाके आप देख सकते हो वहां पे। ठीक है, और या फिर जो अपनी मैराथन हमने ली थी ओनली डिफेंस अकेडमी यूट्यूब चैनल पे, उसे पूरी मैराथन आपकी वन शॉर्ट में भी डली हुई, वहां पे भी जाके आप देख सकते हो। ठीक है, यदि थ्योरी पढ़नी है तो पी वैक्यू तो मैंने आप कराई दिया आपको। ठीक बेटे, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे एक और नई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।